What's up guys, welcome back to my YouTube channel. आज हम unbox करने वाले हैं ये wireless keyboard with RGB को classic case the new unique series. अच्छा और ये new पता नहीं क्या है, मेरे को चाइनीज नहीं होती, पता नहीं क्या है चाइनीज. और यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं उसके, जैसे सिंपल एंड फैशन वेरियस कलर एंड चूजी, ऐसा ऐसा लिखा इस पे. उसके में क्या क्या मिलेगा. अच्छा इसने मुझे अच्छा लग रहा है, खोलते हैं. इसके ऊपर ना रैपर चढ़ा था, वो ना गलती से मैंने उतार दिया. ओह मैंने ऑन छोड़ दिया. वैसे वो रैपर ना मैंने गुम हो गया, मैंने चेक करने के लिए, ताकि आप सब भी चेक कर लीजिए. मैं आप खुद चेक कर लूँ ना, ये ना डिफेक्टेड पीस हो, बट ये ठीक पीस था तो मैंने ये रख लिया. और ये देखिए कीबोर्ड का ऐसा कुछ, और इसको ऑन करेंगे. ये देखिए गलती से यहाँ से ऑन हो गए, RGB ऑन हो जाएगी. और यहाँ पे ये यूजर मैनुअल दिया हुआ है कीबोर्ड का नाम. दीदी ये सब को ना आप गाइज इग्नोर कर देना, ये मतलब इसका नाम बस यहाँ तक ही है, 8 तक है वह, बाकी क्योंकि अमेजोन में यहाँ तक ही दिखाया था, मतलब उसका नाम यही है HB118. इसका ब्लूटूथ कीबोर्ड विद टच पैड इसका नेम. ठीक है गाइज, आप चाहो तो पूरा पढ़ भी सकते हो, मैं ना पूरा खोल देता हूँ, आप पढ़ लो. आप गाइज आपको देखने का मन है तो आप चाहो तो अभी पॉज कर लो भी इधर ही, और या इधर पॉज कर लो अगर देखने, अगर आपको पढ़ने तो पढ़ लो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज मुझे. और गाइज अभी मैं ना आपको इसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा आईपैड के साथ, क्योंकि फिलहाल एंड्रॉयड फोन तो भी मेरे पास कोई नहीं है ना, एंड्रॉयड टैबलेट में घर में सारे अब आईफोन यूज़ करते, तो गाइज मेरे पास ना कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं घर पे, तो वरना मैं ज़रूर चेक कराता हूँ. गाइज यहाँ पे मैं आपको आईपैड, ये देखो मेरा आईपैड, गाइज मैं आपको इसके साथ ट्राई करके दिखाऊंगा. और अभी मुझे पहले आईपैड को ऑन थोड़ा अच्छे से दिखाइए ना. हाँ ठीक है, और अब ऑन करते हैं आईपैड को. ऑन गाइज, अगर आपको इसे कनेक्ट करना है तो देखो मैंने वैसे कनेक्ट, देखो तो नाम भी आ रहा है ब्लूटूथ कीबोर्ड, मैंने कनेक्ट किया था. अगर आपको कनेक्ट करना है इसको तो आपको मैं दिखाता हूँ. गाइज मुझे इसे स्टार्टिंग में ना करने में बहुत मुश्किल आई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी, मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी मुश्किल आई थी. गाइज आपको पहले FN को क्लिक करना है, फिर C को क्लिक करना है. थोड़ी देर आप प्लेस करो के रखोगे तो यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाएगी. बस पहली तो मैं पहली बार इसे खोला था ना, तो मैं इधर ऐसे ऐसे और ऐसे क्लिक कर रहा था FNC को. फिर मेरी मम्मा ने बताया कि ऐसे करना है, तो फिर मैं सीख गया. फिर ऐसे कर लोगे ना तो फिर, वैसे मैंने अभी फिलहाल कनेक्ट कर रखा तो मेरा इधर वैसे अभी कनेक्ट नहीं होगा, आपको इधर शो हो जाएगा ऐसे. वैसे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको शो हो जाएगा, फिर आपको क्लिक करना, फिर वो इधर आ जाएगा. वैसे अभी मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसे प्रिपरेशन मोड को ऑफ कर देता हूँ. और अब रीस्टार्ट करूँगा तो मैं ब्लूटूथ आपको इस, मैंने क्लिक कर दिया, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है भाई, देखो कनेक्ट हो चुका ही है अच्छे से. और आपको बंद करना कोई ऐप तो आपको ऐसे करना, तो फिर ना जैसे आपको अभी कनेक्ट हो चुका है, आप चाहो तो इसे मल्टीमीडिया के लिए यूज़ कर सकते हो. जैसे जो मैंने व्हाट्सएप ऐप खोला हुआ है, आप चाहो तो कुछ भी सफारी में, ये सफारी के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा. कल देखो मैकओएस 16 इसके अंदर, कल आईपैड के अंदर मैकओएस 16 सफारी चलता है ना, तो जिससे इसकी फीलिंग एकदम अलग ही है, और एकदम मैकओएस ही है. तो जैसे अब अमेजोन खोलना, मुझे देखो आ गया अमेजोन, अब एंटर. गाइस ये RGB का तो गाइस अलग ही फील है, अलग ही फील है RGB का तो. गाइस RGB का तो मज़ेदार है एकदम फील, गाइस एकदम स्मूथ. देखो ये देखो, और स्क्रीनशॉट वगैरह भी अच्छा खींच लेता. और ये देखो गाइस ये टच सेंसिटिव भी है, मतलब जैसे अगर आप टू फिंगर से करोगे
काम नहीं करेगा और करे। अगर आप टू फिंगर से करोगे तो ऐसे स्क्रोल होगा, बट वन फिंगर से नहीं होगा। तो ये वन फिंगर से नहीं होता ये स्क्रोल, ये बस टू फिंगर से होता है। या थ्री फिंगर से भी कर सकते हो आप। ये जैसे ये वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह सीरी कोई बुला सकते हो आप इससे। जैसे मेरे को सर मजाक करो, मैं वैसे से करूँगा। क्या हो गया इसको, ट्रैक पर काम कर रहे हैं ना। ओहो ओहो, तू भी हिलना बंद कर भाई, हो जाओ। चलो हो गया। और अब जैसे अभी मैं यूट्यूब चलाना चाहता हूँ तो अब यूट्यूब पे क्लिक करो और यूट्यूब पे जाओगे ना तो इधर क्लिक कर देना। मतलब वैसे नहीं, आपको एक चैनल सिलेक्ट करना है। जैसे इस चैनल का नाम है टेक गेमिंग, इधर जाओगे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा वीडियो के नीचे, उसे क्लिक कर देना। ठीक है फिर उसे ऐसे करें क्लिक कर देना। और फिर अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो गाइस वाह, थैंक यू गाइस। और गाइस इसे राइटिंग वगैरह करके देखते हो। वैसे गाइस आप चाहो तो एप्पल पेंसिल भी यूज कर सकते हो, ट्रैक पैड इतना भी मस्त नहीं गाइस। ये आप एप्पल पेंसिल ज़्यादा यूज करें, आपको ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वैसे अच्छा है ये भी अच्छा, मतलब ठीक है को। और आप चाहो तो जैसे मैं ये नहीं खोला था, ये मैं ड्राइंग ऐप है मेरा, ये स्केच है, ये आप ऐसे ना ड्राइंग भी कर सकते हो। वैसे ड्राइंग का तो कोई खास एक्सपीरियंस नहीं, मतलब लैपटॉप के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता था वैसी फीलिंग है बस, वह कुछ खास नहीं है, बस ट्रैक पैड वाला है, लैपटॉप वाली फील है। और गाइज अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो गाइज एक लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहने की बात है, वो भी कर दो। और फिर अगर ये वीडियो को अच्छी लगी तो आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए